हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सीबीएसई दोस्त संजय परमार। इस चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो यहाँ पे सीबीएसई की ओर से तीन अपडेट आए हैं, तो उस तीन अपडेट के बारे में इस वीडियो में जानकारी दूंगा मैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, आप अगर चैनल पे पहली बार आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ पे मैं आपको हर अपडेट के बारे में जानकारी देता हूँ। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे जैसे टेबुलेशन पॉलिसी क्लास 12 के लिए आई है, तब से कुछ ना कुछ अपडेट यहाँ पे हर रोज आता रहता है। तो उसके ऑलमोस्ट सारे वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ यहाँ पे, तो आपको सारी जानकारी यहाँ पे मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो रिजल्ट टेबुलेशन पॉलिसी फॉर क्लास 12, उसमें जो सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट होने वाला है, उसमें एक स्टेप जो शुरू हो चुका है वो क्लास 10 का रोल नंबर और जो सेंटर है उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो थी हमें वेरीफाई करनी थी, तो उसका प्रोसेस चल रहा है और उसका लास्ट डेट 28 जून उन्होंने दिया था, तो वो ऑलमोस्ट चल रहा है। अब के बाद दूसरा स्टार्ट हुआ है यहाँ पे, जिसका लास्ट डेट है 30 जून और वो है क्लास 11 का डेटा फिलअप करना सब्जेक्ट वाइज। तो यहाँ पे देखिए, जो मार्क्स आप लेंगे वो मार्क्स यहाँ पे थियरी या प्रैक्टिकल लेंगे, वो एक कन्फ्यूजन है सभी को। तो यहाँ पे जो संयम भारद्वाज वाला जो वीडियो था, वो न्यूज वाला, तो उसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया था मार्क्स 80 में से, तो आप ऐसे कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे थियरी वाले मार्क्स लेकर के आपको वहां पे 30% कंसिडर करना है, मेरे हिसाब से ये है। बाकी आगे तो आप बात कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह दिया है, तो वहां सपोर्ट पे बात करके पूछ सकते हैं आपकी क्या लेना है, ताकि हमने जो लिया है उस वीडियो के हिसाब से तो हम 70 ले सकते हैं। जैसे फिजिक्स है 70, मतलब जितने मार्क्स का थियरी पेपर है उतना पोर्शन वहां पे कंसीडर कर रहे हैं। बाकी वहां पे कॉन्टेक्ट करने के बाद आप पूछ सकते हैं, ताकि मेरे पास क्लास 12 नहीं है, अदरवाइज मैं पूछ के कन्फर्म कर लेता। तो यहाँ पे इस तरीके से होगा। तो चलिए देखते हैं, अभी उसका 30 जून दिया है डेटा, क्लास 11 का जो फिलअप करना है उसका डेट यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, अगर वो ओपन है तो। यहाँ पे देखिए, ये जैसे है तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये रहा लास्ट डेट 30 जून 2020। तो यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे लॉगिन खुलेगा, और यहाँ पे आईडी पासवर्ड देने के बाद आप इसको सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कशन करेंगे। जो पॉइंट दिए है, पहला पॉइंट तो सीधा है कि डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड ट्रस्टेड सॉफ्टवेयर, तो वो तो सीबीएसई अपने लेवल पे करेगी, हमें क्या देखना है। थर्ड पॉइंट हमें यहाँ पे देखना है, थर्ड पॉइंट पे लिखा है टू कॉम्पोनेट्स आर ऑलरेडी ऑपरेशनल एंड डेटा इज बीइंग कंपाइल्ड थ्रू दिस मॉड्यूल्स, तो वो हम बात कर चुके हैं। उसके बाद है कि द अदर कॉम्पोनेट्स ऑफ सिस्टम विल बी मेड अवेलेबल एज पर इन्फॉर्मेशन गिवन ऑन पोर्टल एंड एनेक्सर 4 ऑफ द पॉलिसी, तो उसके हिसाब से यहाँ अवेलेबल होगा। उसके बाद यहाँ पे है ऑन वंस बोर्ड डिटेल्स ऑफ क्लास 10 ऑफ द स्टूडेंट्स आर कलेक्टेड आफ्टर ऑब्टेनिंग द रिजल्ट्स ऑफ दिस स्टूडेंट्स डेटा ऑफ क्लास 10 विल बी मेड अवेलेबल ऑफ द स्कूल फॉर देयर यूज, तो उसके बाद क्लास 10 का भी डेटा यहाँ पे अवेलेबल किया जाएगा। टू सेव द टाइम स्कूल्स हैव बीन प्रोवाइडेड फैसिलिटी ऑफ कंपाइलिंग मार्क्स ऑफ क्लास 11, तो ये इसीलिए यहाँ पे दिया गया है। आफ्टर कंपाइलिंग ऑफ क्लास 11 मार्क्स स्कूल्स विल बी प्रोवाइडेड फैसिलिटी ऑफ कंपाइलिंग क्लास 12 इंटरनल असेसमेंट मार्क्स, तो ये जैसे क्लास 11 का कंप्लीट होगा उसके बाद क्लास 12 के इंटरनल जो मार्क्स है, प्रोजेक्ट या प्रैक्टिकल इंटरनल जो भी है, तो उसका डेटा यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद कहा गया कि वंस ऑल थ्री पार्ट्स ऑफ क्लास 10, 11 एंड 12 आर ओवर, स्कूल्स विल बी रिक्वेस्टेड टू मॉडरेट द मार्क्स ऑफ क्लास 11 एंड क्लास 12 प्रोवाइड फाइनल मार्क्स टू सीबीएसई। उसके बाद क्लास 11 और क्लास 12 दोनों के मार्क्स को मॉडरेट करके यहाँ पे सीबीएसई को प्रोवाइड करना है मार्क्स, तो यहाँ पे मॉडरेशन का जो एक अपॉर्चुनिटी मिला है स्कूल को, तो वो यहाँ पे इसके बाद हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे है अबव इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड एज बोर्ड इज रिसीविंग द कॉल्स फ्रॉम द स्कूल्स दैट हाउ कुड दे अपलोड द मार्क्स ऑफ क्लास 11 विदाउट रेफरेंस ईयर, तो यहाँ पे इसीलिए प्रोवाइड किया जाएगा ऐसा कहा जा रहा है। स्कूल्स आर देयरफॉर रिक्वेस्टेड टू स्टार्ट अपलोडिंग क्लास 11 मार्क्स ऑन पोर्टल एंड कंप्लीट द सेम एज पर शेड्यूल एज इन क्लास 12। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज ऑलरेडी डायरेक्टेड सीबीएसई टू डिक्लेयर द रिजल्ट बाय 31 जुलाई, तो यहाँ पे 31 जुलाई तक उनको रिजल्ट डिक्लेयर कर देना है। जैसे सुप्रीम कोर्ट, हमारे जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने ऐसे कहा है, तो वहां तक ये कम्प्लीट करने के लिए ये सारे प्रोसेस यहाँ पे दे रहे हैं। सो अधेरिंग शेड्यूल इज कम्पल्सरी टू मीट द डायरेक्शन ऑफ द एपेक्स कोर्ट, तो हमें कोर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे चलना है और इस डेट तक यहाँ पे कम्प्लीट कर देना है। तो ये था सबसे पहला अपडेट। दूसरा अपडेट है, यहाँ पे प्रेस रिलीज था, तो यहाँ पे ये जो है ऑनलाइन डुप्लीकेट एकेडमिक डॉक्यूमेंट सिस्टम, तो यहाँ पे सीबीएसई ने ये सिस्टम लॉन्च किया है जिसका नाम दिया है डेड्स, DADS लिया है, तो इसको मैं डेड्स पढ़ रहा हूँ, डेड्स। तो यहाँ पे ये है क्या सिस्टम है, चलिए इसके बारे में यहाँ देखते हैं। तो ये दिया है जनरली लुकिंग एट द प्रिवेलिंग कोविड कंडीशंस एंड प्रेडिकमेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स, आईटी डिपार्टमेंट हैज कम अप विद अ सेफ क्विक एंड वायबल सॉल्यूशन थ्रू अ रिसेंटली डेवलप इन हाउस पोर्टल नेम डेड्स, डुप्लीकेट एकेडमिक डॉक्यूमेंट सिस्टम। तो इसमें क्या होगा, द फैसिलिटी विल ऑब्विएट द ह्यूमन कॉन्टेक्ट एंड फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड सो फार एंड कट फॉर द ट्रैवल टाइम एंड एनर्जी स्पेंड बाय स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स हु कैन
नाउ ऑप्टेन डुप्लीकेट मार्कशीट पासिंग सर्टिफिकेट माइग्रेशन सर्टिफिकेट थ्रू दिस ऑनलाइन पोर्टल। तो ये सारी चीजें यहाँ पे मिलेगी। पहले इसके लिए यहाँ पे जो पोर्टल था वहां पे मिलता था, अब यहाँ पे वेबसाइट इन्होंने दिया है डेट्स करके चेंज कर दिया है। पहले माइग्रेशन के लिए ऐप यूज किया जाता था, अब यहाँ पे ये इन्होंने दिया है लिंक। तो इस लिंक पे जाकर के आप कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा और ये पूरे पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में सर्कुलर मिल जाएंगे, वहां पर से भी आप देख सकते हैं। तो ये यहाँ पे एड्रेस दिया है, वहां जाकर के आप यहाँ पे कर सकते हैं। रीजनल ऑफिसेस ऑन रिसीप्ट ऑफ द एप्लीकेशंस विल प्रिंट एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स एंड डिस्पैच देम थ्रू स्पीड पोस्ट। तो यहाँ पे जो है वो वैसे होगा, अ ट्रैकिंग सिस्टम विल एनेबल द स्टूडेंट्स टू ट्रेस द स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन एंड डिस्पैच डिटेल्स। तो वहां से ऐसे भेजा जाएगा और डिस्पैच डिटेल आपको ईमेल पे या तो कैसे भी आपने जो सिस्टम यूज किया होगा वहां पे उसके हिसाब से आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। दिस पोर्टल हाउएवर विल गिव ऑप्शन टू स्टूडेंट फॉर बोथ डिजिटल कॉपी एज वेल एज प्रिंटेड कॉपी। तो सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी दोनों का यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेगा। और जो थर्ड अपडेट है वो है यहाँ पे रोड टू टोक्यो करके कोई एक नोटिफिकेशन आया है, वेबिनार का है शायद। तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि टोक्यो ओलंपिक्स 2020 हैव बीन शेड्यूल्ड फ्रॉम 23 जुलाई टू 5 सितंबर विथ अ व्यू आउट टू एक्सटेंड अवर मोरल सपोर्ट टू द इंडियन कंटिजेंट। इट हैज बीन डिसाइडेड टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग्स द कंट्रीमैन अबाउट ओलंपिक्स एंड इंडियन पार्टिसिपेशन बिफोर द स्टार्ट ऑफ ओलंपिक्स 2020। तो यहाँ पे ओलंपिक्स में हम जानते हैं कि इतनी हमारी आबादी है, लेकिन गोल्ड मेडल या तो जब मेडल से बात आती है तो मेडल मतलब 0 to 0.% ऐसा हम बोल सकते हैं कि इतना परसेंट होता है आबादी के सामने जो हमारी यंग जनरेशन है जो लोग खेल सकते हैं। तो ये मतलब अपने लिए थोड़ा सा ऐसी बात है, लेकिन हालांकि कुछ सालों में इम्प्रूवमेंट हुआ है और अभी इंडिया भी अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। तो इसके लिए अवेयरनेस की जरूरत है। आप लोग जो मतलब है अपने स्टूडेंट्स को, या तो फिर आप अगर खुद स्टूडेंट है तो आप भी यहाँ पे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसके लिए तैयारी करिए या तो कराइए, आपके पास से समय निकल चुका है। तो आप जो भी कर सकते हैं, जो भी योगदान दे सकते हैं, कहीं पर भी किसी को मोटिवेट कर सकते हैं या तो किसी को कोई गाइड कर सकता है, तो ऐसी कोई भी चीज करना शुरू करिए ओलंपिक में, तो हमारा भी नाम यहाँ पे आगे आए। तो इसके लिए यहाँ पे रोड टू टोक्यो ऐसा जो है वो लिंक यहाँ पे दिया गया है, रोड टू टोक्यो ओलंपिक क्विज यहाँ पे दिया है, एनी टाइम बिटवीन 23 June to 22 July 11 PM ये यहाँ पे लिंक दिया है। इस लिंक पे जाकर के आप यहाँ पे कर सकते हैं पार्टिसिपेशन। तो ऑल द स्कूल्स एफिलिएटेड विद द बोर्ड मस्ट एंश्योर दैट मोर एंड मोर चिल्ड्रन फ्रॉम देयर स्कूल्स पार्टिसिपेट इन द क्विज। तो यहाँ पे क्विज में पार्टिसिपेट करने से क्या होगा कि अवेयरनेस आएगी ओलंपिक के बारे में। तो इसके लिए यहाँ से जैसे अवेयरनेस आएगी तो बच्चे भी इसमें कुछ ना कुछ अपना रोल प्ले कर सकते हैं, कुछ जान सकते हैं, कुछ नॉलेज ले सकते हैं। तो उसके बाद जैसे वो बड़े होंगे तो उनके अंदर मोटिवेशन ऑटोमेटिक आएगा। तो क्विज अदर एक्टिविटीज एंड चीयर अवर एथलीट्स इन द ओलंपिक्स। और ये सबसे बड़ा यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि चीयर अवर एथलीट्स। तो जो भी हमारे एथलीट्स यहाँ पे पार्टिसिपेशन कर रहे हैं तो उनके लिए एक मोटिवेशन रहेगा, तो इसके लिए किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। इट इज मल्टीपल चॉइस ऑनलाइन कंडक्टेड इन इंग्लिश इन हिंदी, मल्टीपल चॉइस होगा। दिस द क्विज विल हैव 10 क्वेश्चंस फ्रॉम मल्टीपल थीम्स, हिस्ट्री ऑफ ओलंपिक स्पोर्ट्स एंड डिसिप्लिन्स, पास्ट अचीवमेंट्स ऑफ एथलीट्स, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, करंट एंड पास्ट इंडियन एथलीट्स। तो इसके बारे में स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ा कुछ रिसर्च करेंगे, उसके बाद उसका आंसर दे पाएंगे, तो उनकी नॉलेज भी बढ़ेगी और साथ साथ उनका जो ओलंपिक्स के प्रति जो मतलब थोड़ा सा अवेयरनेस होना चाहिए तो वो भी यहाँ पे बढ़ेगा। जब पढ़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। तो इसके लिए ये सारी चीजें कर सकते हैं। ओनली वन अटेम्प्ट पर पर्सन इज अलाउड, एक बार एक ही बार कर पाएंगे जो भी है। इन केस ऑफ टाई इन स्कोर द फास्टेस्ट कंप्लीटेड स्कोर विल बी कंसिडर्ड, एवरी डे अप टू 10 लकी विनर्स विल बी अवॉर्डेड इंडियन टीम फैन जर्सी। तो यहाँ पे ये भी एक अच्छा मौका है कि इंडियन फैन और इंडियन टीम का जो जर्सी है वो इनको मिलेगा। लकी विनर विल गेट अ चांस टू मीट द ओलंपियन, और ये सबसे बड़ी खुशी होती है जब हम अपने फेवरेट प्लेयर से मिलते हैं, तो ये भी एक चांस यहाँ पे है। तो आशा रखता हूँ कि जो जानकारी दी है, जो अपडेट दिया है, आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर करिए अपने कलीग्स के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ, और जो भी पर्सन जो सीबीएसई के साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए भी अपडेट काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो उन तक शेयर करिए। ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस करिए और साथ साथ वीडियोस को देखते रहिए। और आपके जो भी प्रतिभाव है इस वीडियो के रिलेटेड, या तो आपके कुछ भी डाउट्स है, क्वेरीज है, तो आप कमेंट करके मुझसे जरूर पूछ सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो के बारे में जरूर शेयर करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। टाटा।